खेलो इंडिया खेल महोत्सव में हमारे बीच में भरतपुर लोकसभा की सांसद श्रीमती रंजीता पुरी जी मंच पे विराजे, सभी अतिथिगण, भाइयों बहनों, खिलाड़ी साथियों, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गांव के दूर दराज के उन खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी योग्यता को अवसर देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आज भारत खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है और खेलों के अंदर हम ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, वर्ल्ड के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत खेलों में नेतृत्व करे, हमारे नौजवान जो सामर्थ्यवान हैं, जिनमें आत्मविश्वास है, जुनून है और असफलता सफलता के बीच में लगातार संघर्ष करते हुए जीत की ओर बढ़ने का लक्ष्य है। जो खिलाड़ी होता है वो देशभक्त राष्ट्रभक्त नौजवान होता है, उसमें सामर्थ्य होता है, लड़ता है, जूझता है, गिरता है, लेकिन एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए नौजवानों में वो क्षमता है जिस देश के अंदर खिलाड़ी सामर्थ्यवान होंगे, जिस देश के अंदर खिलाड़ियों की योग्यता होगी, वह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और दुनिया के अंदर इस परिवर्तन के दौर के अंदर भारत जिस हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हमारे नौजवानों की ऊर्जा, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आने वाले समय के अंदर भारत का नाम रोशन करेगा, देश में तिरंगे को लहराएगा। मैं भरतपुर जो कि एक लौह पुरुष की धरती है, महाराजा सूरजमल जी की धरती है, वीर शौर्य की धरती है, भरतपुर में गांव गांव में बहुत पुराने समय से यहाँ पर खेलों कुश्ती और यहाँ के पहलवान तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता को दिखाते आए हैं और इसीलिए भरतपुर खेलों में हमेशा आगे रहा है, हर तरीके से खेलों में आगे रहा है। आज भी एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भरतपुर का नौजवान जो दूर दराज के गांव में भी रहता है, वह नौजवान खेल के खिलाड़ी के रूप में भाग लेता है और देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी अपनी सामर्थ्य, बौद्धिक क्षमता और अपने खेल के कारण आगे रहता है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस सराहनीय प्रयास की। हमें और प्रयास करना चाहिए, हमें दूर दराज के गांव के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन प्रतियोगिताओं को एक प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर भरतपुर खेलों के अंदर भी आगे रहा था और फिर आगे बढ़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।